वेलकम बैक टू माई चैनल माई इज शालिमा एंड यू आर वॉचिंग लर्न विद शालिमा येस गाइज़ आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ साउंडस की कितनी तरह का साउंडस आप लोगों ने सुना है बहुत तरह के साउंडस हम लोग सुनते रहते हैं और आप लोगों को मैं आपको बता दूँ कि हम लोग भी कुछ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं मतलब हमारी बॉडी से भी बहुत सारे साउंडस निकलते हैं जैसे कि हम लोग जब अपनी उंगलियां चिटकाते हैं या फिर जमाही लेते हैं या फिर खासते हैं तो एक तरह का साउंड तो निकलता है तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन्हीं सारे साउंड्स पे कि इंग्लिश में उन सारे साउंड्स को क्या कहते हैं तो आपको पता चलेगी आज एक नई चीज़ इस वीडियो में अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो आप कहीं जाइए नहीं यस yes, गाइस मैं आपको बताने वाली हूं इसी के इंग्लिश आप छीक को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं यस यस गाइस छीक आना या फिर छीकना उसको इंग्लिश में बोलते हैं अभी एक सेंटेंस बनाते हैं इसी पे मुझे बहुत ज्यादा छीके आ रही हैं हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं आई एम am... अब आ रही है तो मतलब इस... लग जाएगा यहां पे अलॉट आई एम स्निजिंग अलॉट यस गाइस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा साउंड कौन सा है और उसकी इंग्लिश क्या होगी यस yes गाइस जब हम लोग कभी क्लास में बैठते हैं या फिर हम लोगों को कोई लेक्चर दिया जा रहा होता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जवाही आती है तो जानते हैं इसकी इंग्लिश क्या होती है और इसको इस इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे तो यस गाइस जमाही लेने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यौन और अगर इसका सेंटेंस बनाया जाए वो कक्षा में जमाही लेता है तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं ही ऑन ड्यूरिंग द क्लास मतलब क्लास लेते टाइम वो बहुत जमा ही लेता है तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि थर्ड साउंड क्या है हमारे पास यस yes, गाइस जो थर्ड है वो है डकार आना मतलब खाने के बाद बहुत लोगों को डकारें आती हैं या फिर उनके गैस बनती हैं तो फिर उन, तब भी उनके डकारें आती हैं तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं येस गाइज हम लोग बोलते हैं वी कैन से ब्लच ब्लैच मीन्स होता है डकारे आना या डकारें लेना तो इसका अगर सेंटेंस बनाया जाए तो किस तरह से बनेगा तो मैं दे रही हूँ आपको एग्जाम्पल ताकि आप अपनी डेली लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकें इस गाइस अगर हम लोगों को बोलना हो कि वो खाना खाने के बहुत ज़्यादा डकारे लेता है खाना खाने के बाद डकारें लेता है तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही ब्लैच आफ्टर ईटिंग फूड तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक like करना बिल्कुल भी ना भूले और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से साउंड बचे हैं जिसकी इंग्लिश हम लोगों को अभी तक नहीं पता है बस बट uh, डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सारे वर्ड्स की इंग्लिश ज़रूर पता हो जाएगी और आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अपनी डेली लैंग्वेज में यस गाइस वी हैव फोर्थ वन फोर्थ साउंड दाँत किटकिटाना बहुत सारे बच्चे होते हैं जब उनको मारा जाता है तो वो लोग अपने दांत किटकिटाने लगते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जब हम लोग अपने दांत किटकिटाने लग जाते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको ग्राइंड द टीथ इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे और देखते हैं इसका एग्जाम्पल आप किस तरह से बोल सकते हैं वो भी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूं वो दांत किटकिटा रहा था मतलब ही वॉज ग्राइंडिंग वैसे गाइस मैं आपको बता दूं ग्राइंड का मतलब होता है पीसना बट अगर इसको हम लोग किटकिटाने के साथ मतलब दांत एक प्रोवर्ब की तरह यूज करेंगे फ्रेस की तरह यूज करेंगे तो हम लोग ग्राइंड का मतलब हो जाएगा दांतों को किटकिटाना ऑल राइट right? वैसे तो ग्राइंड का मतलब होता है कुछ भी पीसना तो ही वॉज ग्राइंडिंग द टीथ तो ये तो रहा आपका एग्जाम्पल सो गाइस देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है दिस yes गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोते हुए भी घराटे लेते हैं और दूसरों की नींद को हराम कर देते हैं तो घराटे लेने को क्या बोलते हैं ये कोर्स मैं आपको इस बताने वाली हूँ स्नोर बोलते हैं हम लोग घराटे लेने को स्नोर और अगर इसका एक सेंटेंस बना दूँ आपके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए भी वो जोर ज़ोर से घराटे ले रहा था तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे ही वॉज ही वॉज़ स्नोरिंग लाउडली तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स को जो sounds हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी होती हैं घरों में सबसे ज़्यादा जब हम लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ होती हैं तो आप इसको इंग्लिश में क्यों ना यूज़ करें आज के बाद so, देखते हैं गाइज़ यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट साउंड कौन सा है और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये yes गाइस जब किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो वो करहाने लगता है या फिर उसको कहीं बॉडी पेन हो रहा होता है तब वो कराने लगता है या फिर आप लोगों ने बूढ़े लोगों को देखा होगा जब उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो भी वो लोग कराने लगते हैं आ इस तरह की आवाज़ निकालने लगते हैं तो इस करहाने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैं आपको बताने जा रही हूँ करहाना मीन्स होता है ग्रोन और आप इसको मोन भी बोल सकते हैं अगर इसको बोला जाए इंग्लिश में वो दर्द से करहा रहा था तो इसकी इंग्लिश क्या होगी वो दर्द से करहा रहा था ही वॉज ही was groaning with pain वो दर्द से करहा रहा था तो ये तो हो जाएगा इसका एक एग्जाम्पल तो आज से आप बिल्कुल भी इसको अपने डेली रूटीन में ले आइए और इसको यूज करना सीख लीजिए यस गाई नाउ वी हैव द नाइन्थ वन हिचकी और हिचकियाँ आना जब भी हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को जब हिचकियाँ आती हैं तो हम लोग बोलते हैं कोई याद कर रहा है तो हिचकियाँ हम लोगों के कभी कभी आने लग जाती हैं तो हिचकियाँ आना या फिर हिचकी वर्ड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उसका एक एग्जाम्पल भी दूँगी आपको हिचकियाँ आना या फिर हिचकी को हम लोग बोलते हैं हकअप हिकअप मीन्स होती हैं हिचकियाँ अगर मैं बोलूँ कि मुझे रोज़ हिचकियाँ आती हैं आई हिकअप एवरीडे मुझे रोज हिस्कियां आती हैं आई हिकअप एवरीडे राइट उंगली चिटकाना बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब वो लोग नर्वस होते हैं तब भी वो लोग अपनी उंगलियां चिटकाते हैं या फिर कभी कभी किसी के भी पेन होता है हाथों में तो भी वो लोग क्या करते हैं अपनी उंगलियों को छिटकाते हैं तो उंगलियां छिटकाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रैकिंग द नेकल्स गाइस yes यहाँ पे बात हो रही है उंगलियाँ चिटकाने की मतलब क्रैकिंग द नकल्स क्योंकि जो हम लोग के ये होते हैं नकल्स इनको अगर हम लोग बोलें चिटकाने के लिए उंगलियाँ चिटकाना तो क्रैकिंग द नकल्स और अगर इसका एक सेंटेंस बनाया जाए इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो वो होगा कि वो उंगलियाँ चिटकाता है या फिर वो उंगलियाँ चिटका रहा है तो ही वो वो उंगलियां चटका रहा था ही वॉज क्रैकिंग द नकल्स इस तरह से आप बता सकते हैं किसी को भी इसको यूज़ करने के बाद सो नाउ आई हैव द लास्ट साउंड बट इट्स नॉट लीस देर आर सो मेनी साउंडस आर देयर बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द लास्ट वन दस गाइज नाव वी हैव द लास्ट वन चुटकी बजाना चुटकी हम लोग कब बजाते हैं या तो फिर किसी को वार्निंग देते हैं तो चुटकी बजाते हैं या फिर हम लोग किसी को बुलाने के लिए भी चुटकियाँ बजाते हैं या फिर किसी से बात कर रहे होते हैं गुस्से में तो वहाँ पे भी चुटकियाँ बजाते हैं बहुत सारी जगहों पे चुटकियाँ बजाते हैं हम लोग तो चुटकी बजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यस yes, गाइस चुटकी बजाने को हम लोग बोलते हैं स्नैप द फिंगर्स स्नैप द फिंगर्स और अगर इसको इंग्लिश का एक सेंटेंस बना के आपको दिखाऊँ तो वो कैसे बनेगा तुम्हें तुम्हें चुटकियाँ नहीं बजानी चाहिए या तुम्हें चुटकी नहीं बजानी चाहिए तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं यू शुड नॉट यहाँ पे दा भी हो सकता है योर भी हो सकता है यू शुड नॉट स्नैप योर फिंगर भी हो सकता है और यू शुड नॉट स्नैप द फिंगर्स भी हो सकता है तो आप दा भी यूज कर सकते हैं और योर भी यूज कर सकते हैं ऑलराइट राइट right? तो ये तो रहे आपके बॉडी रिलेटेड साउंड्स जो कि आज आपको पता चल गए हैं और आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आपको पता ही चल गए हैं तो आप इनको क्यों ना इंग्लिश में ही अब यूज़ करें कोई भी जवाही ले रहा है तो आप उसको तुरंत बोल दे डोंट यॉन कोई कुछ भी कर रहा है छुटकियाँ बजा रहा है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे साउंड्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और किसी पर भी अपना अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं कि मुझे भी इंग्लिश आती है और जब आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल भी बताना ना भूलें कि मैं लर्न विद शालिमा चैनल यूट्यूब से इंग्लिश को सीख रहा हूँ और इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ भी आपका अकाउंट है ताकि लोगों को भी पता चले कि इस चैनल पे अच्छी इंग्लिश सिखाई जाती है तो आप भी कुछ सीखें और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए अच्छे गाइज आप लोग मुझे मेरे फेसबुक इंस्टा अकाउंट पे भी यूज़ फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें लेके आऊँगी कुछ नया आपके लिए टिल बाय बाय एंड टेक केयर